डीएनए में आज खबरों की शुरुआत हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अटल परीक्षा से करेंगे। अटल से अगर आप अटल बिहारी वाजपेयी समझ रहे हैं तो वो बिल्कुल सही समझ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी अपनी तीसरी पारी के लिए तैयार हैं। कल एनडीए के सभी दल राष्ट्रपति से मिलेंगे, उन्हें ऑफिशियली वो चिट्ठी देंगे जिसमें उन्होंने मोदी को अपना नेता माना है। इसके बाद राष्ट्रपति मोदी को पीएम की शपथ लेने का न्योता देंगे। कई मंत्री भी शपथ लेंगे, कुछ कैबिनेट मंत्री होंगे, कुछ राज्य मंत्री होंगे, कुछ स्वतंत्र प्रभार वाले होंगे। यही सरकार बनने का प्रोसीजर है और ऐसे ही फॉलो भी होता है। लेकिन इस वक्त तक का सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह सरकार बनेगी कैसे, बनेगी तो चलेगी कैसे, और चलेगी तो टिकेगी कब तक। इसीलिए हम इसे मोदी की अटल परीक्षा कह रहे हैं। देखिए इसमें चुनौतियां क्या क्या हैं। पहली चुनौती है क्या मोदी बहुमत बनाकर रख पाएंगे। दूसरी चुनौती है क्या मोदी मजबूती से काम कर पाएंगे। तीसरी चुनौती है क्या मोदी 5 साल सरकार चला पाएंगे। मोदी की तीनों चुनौतियां आज और कितनी गंभीर हो गई हैं यह हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा बैकग्राउंड में ले जाना जरूरी है। नरेंद्र मोदी पहले बीजेपी नेता नहीं है जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी भी 3 बार ही प्रधानमंत्री बने थे। मोदी पहली बार 2014 में बने, 2019 में दूसरी बार बने और 2024 में तीसरी बार बनने जा रहे हैं। अटल जी पहली बार 1996 में 13 दिन के लिए बने, दूसरी बार 1998 में 13 महीने के लिए और तीसरी बार 1999 में पूरे 5 साल के लिए प्रधानमंत्री बने थे। दूसरा बड़ा अंतर, अटल जी पहली और दूसरी बारी में कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए थे। उन्हें तीसरे टर्म में यह सौभाग्य मिला था, जबकि मोदी ने पहला और दूसरा कार्यकाल पूरा किया है। तीसरा सौभाग्य सवालों में, 1999 में बीजेपी के पास बहुमत से कम 182 सीटें थी, फिर भी अटल जी ने 19 दलों को साथ लेकर 5 साल पूरे किए थे। जयललिता, ममता, मायावती, शिवसेना, अकाली और इन्हीं नीतीश और नायडू सबको साथ रखा था। आज बीजेपी के पास 240 सीटें हैं, लेकिन मोदी के पास गठबंधन की गाड़ी खींचने का अनुभव नहीं है। मोदी ने बीजेपी के बहुमत की सरकारें चलाई हैं, देश ने उनसे सहयोगियों को मनाकर रखने वाली अटल कला नहीं देखी है। अब हम जल्दी से मोदी की पहली परीक्षा पर आते हैं। चुनौती यह है कि बहुमत बनाने की कोशिश में लगी बीजेपी अपने ही 240 नंबर तो बरकरार रख पाएगी या नहीं। कहीं बीजेपी के अंदर ही कोई भगदड़ जैसी स्थिति तो पैदा नहीं होने वाली है। ये नई चुनौती पश्चिम बंगाल से आ सकती है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के नेता अभिषेक बैनर्जी ने दावा किया है कि बंगाल से जीतने वाले बीजेपी के 3 सांसद उनके संपर्क में है। अभिषेक का इशारा यह है कि बीजेपी के 3 सांसद पाला बदलकर टीएमसी में आ सकते हैं। अभिषेक बैनर्जी के दावे को बीजेपी हल्के में नहीं ले सकती, क्योंकि 2022 में ऐसा हो चुका है जब चुनाव से पहले टीएमसी के कुछ नेता बीजेपी में कूदे थे और चुनाव जीतकर वापस टीएमसी में चले गए थे। बंगाल में पिछली बार बीजेपी के 18 सांसद थे, 6 पहले ही हार चुके हैं, इस बार 12 ही जीते हैं। एनडीए में दूसरी उठापटक के लक्षण महाराष्ट्र में दिखे हैं। अटकलें तेज हैं कि महाराष्ट्र में भी बीजेपी के दोनों सहयोगी यानी शिंदे वाली शिवसेना और अजीत पवार वाली एनसीपी में भी हलचल हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक शिंदे शिवसेना के कुछ सांसद उद्धव की शिवसेना के संपर्क में हैं। शिंदे शिवसेना के कुछ विधायक भी उद्धव शिवसेना में लौट सकते हैं। 24 में उद्धव शिवसेना ने 9 और शिंदे शिवसेना के 7 सांसद चुने गए। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में 6 महीने भी नहीं बचे हैं। शिंदे शिवसेना में मंथन की खबरें हैं कि पार्टी का नाम और सिंबल होते हुए भी ये हाल है तो विधानसभा में क्या हो सकता है। हालांकि कल एनडीए की बैठक में एकनाथ शिंदे मौजूद थे और नायडू नीतीश के बाद तीसरे नंबर पर बैठे हुए थे। महाराष्ट्र में बड़ा अंदेशा एनसीपी अजीत पवार गुट से भी दिखा है। विरासत की लड़ाई में चाचा के मुकाबले भतीजे की एनसीपी ने सिर्फ 1 सीट जीती है। कल एनडीए बैठक में अजीत पवार मौजूद भी नहीं थे। सूत्रों से खबरें हैं कि एनसीपी अजीत गुट के कई एमएलए शरद पवार की एनसीपी में लौटना चाहते हैं। अजीत गुट के कई विधायकों ने शरद गुट के जयंत पाटिल से संपर्क किया है। 3 दिन बाद एनसीपी शरद की कार्यकारिणी में इस पर फैसला हो सकता है। दावा किया जा रहा है कि एनडीए की दोनों सहयोगी पार्टियां विधानसभा चुनाव में अपने भविष्य को देखते हुए कोई भी बड़ा फैसला ले सकती। मैं बार बार कहता हूं
मोदी जी की सरकार नहीं बनेगी और बनी तो नहीं टिकेगी। वेट एंड वॉच, मैंने कल भी कहा है, देखते रहिए आगे आगे क्या होता है, आगे बहुत कुछ होने वाला है। मैं तो ये नहीं कहूंगा कि पिक्चर अभी बाकी है, मैं ये कहूंगा कि पिक्चर शुरू हुआ है, एंड बाकी है। हालांकि कल इंडिया अलायंस ने साफ कर दिया था कि वो सरकार बनाने की फिलहाल कोशिश नहीं करेगा, लेकिन इसमें ये भरोसा भी नहीं था कि वो मोदी सरकार को स्थिर रहने देगा। सूत्रों की माने तो इंडिया अलायंस इस रणनीति पर आगे बढ़ रहा है कि जहां बीजेपी की बड़ी हार हुई है, जहां उसमें असंतोष है, वहां के नेताओं को साधा जाए। इसमें उत्तर प्रदेश भी है। जिस तरह का माइंड गेम शुरू हुआ है, उसमें बीजेपी के लिए सहयोगियों को मनाने से पहले अपनों को रोके रखना पहली चुनौती हो सकती है। खबरें हैं कि बीजेपी ने बैकअप प्लान पर काम भी तेज कर दिया है। चुनाव में 16 ऐसे सांसद भी हैं जो किसी गठबंधन में नहीं है। बीजेपी सबके संपर्क में है। Z News.